एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें न्यू वेरोना के पैलेस को दिखाता है, जहाँ पे कुछ लोग किंग को मारने के लिए आए होते हैं। उनके लीडर का नाम मॉन्टेज होता है और वो किंग से कहता है कि अब से न्यू वेरोना पे मॉन्टेज फैमिली का राज होगा। तो किंग कहता है कि क्या तुम स्कैलस की इच्छा को नहीं मानोगे? स्कैलस एक होली ट्री है और इसके बारे में आपको आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा। तो मॉन्टेज कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर दो बच्चियों को दिखाते हैं जिसमें से रेड बाल वाली जूलियट होती है और दूसरी वाली उसकी केयर टेकर होती है। केयर टेकर जूलियट से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके मदर के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी वो देखते कि मॉन्टेज ने उनके फादर यानी किंग को मार दिया। मॉन्टेज उन दोनों को देख लेता है और अपने साथियों से कहता है कि कैपुलेट फैमिली के सभी मेंबर्स को मार दो। गार्ड्स जूलियट को मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे कैपुलेट फैमिली का एक लॉयल सोल्जर आके जूलियट को बचा लेता है। वो जूलियट को लेके वहाँ से भाग जाता है। फिर 14 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे कुछ गार्ड्स एक लड़की को मारने वाले होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसे कैपुलेट फैमिली के बारे में कुछ पता है। उस लड़की के मदर और वहाँ पे लोग गार्ड्स को ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जूलियट आती है और उन गार्ड्स को उस लड़की को छोड़ने के लिए कहती है। गार्ड्स से पूछते हैं कि तुम कौन हो? तभी वो लड़की कहती है कि ये तो रेड व्हर्लविंड है। जूलियट उस लड़की को गार्ड से छुड़ा लेती है। गार्ड्स जूलियट पे हमला करते हैं लेकिन जूलियट उन्हें आसानी से पीट देती है। वहाँ पे और गार्ड्स आ जाते हैं, इसकी वजह से जूलियट वहाँ से भागने लगती है। गार्ड उसके पीछे जाते हैं, तभी भीड़ में से एक बच्चा जिसका नाम एंटोनियो था जमीन पे स्मोक बॉम्ब फेंकता है। एंटोनियो भी जूलियट के साथ होता है। एंटोनियो और जूलियट फिर साथ में भागने लगते हैं। जूलियट उसे अलग होने के लिए कहती है और गार्ड्स भी उन दोनों के पीछे जाते हैं। जूलियट को रास्ते में उसकी दोस्त कॉर्डिलिया भी मिलती है और वो उसे भी अपने साथ लेके भागने लगती है। कॉर्डिलिया उसे पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों भगा रही हो? जूलियट और कॉर्डिलिया गार्ड से बच के भाग रहे होते हैं। फिर रोमियो को दिखाते हैं जो अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ चाय पी रहा होता है। वो देखता है कि गार्ड्स दो लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं और वो उनकी मदद करने के लिए जाने लगता है और वो बेनवोलियो को भी आने के लिए कहता है। वो दोनों अपने फ्लाइंग हॉर्स पे बैठ के मदद के लिए चले जाते हैं। जूलियट और कॉर्डिलिया भागते भागते डेड एंड पे आ जाते हैं। तभी जूलियट नीचे गिरने लगती है लेकिन तभी वहाँ पे रोमियो आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। बेनवोलियो भी कॉर्डिलिया को अपने साथ हॉर्स पे बैठा के गार्ड से दूर लेके जाता है। वो सब फिर एक जगह पे रुकते हैं। जूलियट वहाँ से जाने लगती है तो रोमियो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई? तो जूलियट कहती है कि अगर तुम्हें जान बचाना ही था तब तुम उस लड़की की जान बचा सकते थे। तो रोमियो कहता है कि फिर भी तुम्हें मुझे थैंक्स तो कहना चाहिए। तो जूलियट उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चले जाती है। रोमियो भी अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है। कॉर्डिलिया जूलियट से कहती है कि तुम बहुत ही केयरलेस हो। तो जूलियट कहती है कि मैं उस लड़की के साथ गलत कैसे होने दे सकती थी? तो कॉर्डिलिया कहते हैं कि ये सब छोड़ो और घर चलते हैं। वो रास्ते में होते हैं और एंटोनियो कहता है कि उन दोनों के पास ड्रैगन हॉर्सेस थे, इसका मतलब वो बहुत ही हाई रैंक वाले नोबल्स थे। फिर वो सब एक थिएटर में जाते हैं जहाँ पे एक प्ले राइटर जिसका नाम विलियम होता है कहता है कि मेरे प्ले इतने चलते क्यों नहीं है? तो जूलियट कहते हैं कि तुम्हारे प्ले बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जूलियट मॉन्टेज फैमिली से बचने के लिए लड़का बन के रहती है और विलियम को पता नहीं होता है कि जूलियट एक लड़की है। 14 साल पहले विलियम ने उन्हें शेल्टर दिया था। फिर वो एक सीक्रेट गेट से अपने घर जाते हैं। कोनार्ड वो सोल्जर जिसने जूलियट को 14 साल पहले बचाया था जूलियट से कहता है कि तुम फिर से बिना परमिशन के बाहर चले गई। तो जूलियट बात बदलने के लिए कहती है कि क्यूरियो और फ्रांसिस्को भी यहाँ पे हैं। फ्रांसिस्को कॉर्डिलिया का भाई होता है और क्यूरियो फ्रांसिस्को का साथी होता है। उस घर में सभी लोग मॉन्टेज के खिलाफ एक रिबेलियन करना चाहते थे और उनका लीडर कोनार्ड होता है और वाइस लीडर फ्रांसिस्को था। कोनार्ड जूलियट और एंटोनियो से कहता है कि तुम विलियम की फैमिली को मुसीबत में क्यों डालना चाहते हो? तो जूलियट कोनार्ड से माफी मांग के अपने रूम में भाग जाती है। कॉर्डिलिया जूलियट को अपने कपड़े बदलने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि तुम बहुत ही लापरवाह हो, अगर उस लड़के ने हमारी मदद नहीं की होती तो क्या होता? जूलियट कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे किसी ने पहले भी इसी तरह बचाया था। तो कॉर्डिलिया कहती है कि जब तुम 16 साल की हो जाओगी तब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर जूलियट बताती है कि कल मेरा बर्थडे है। फिर पैलेस को दिखाते हैं जहाँ पे ड्रैगन हॉर्सेस का रेस हो रहा होता है। मॉन्टेज मर्क्यूटियो जो रोमियो का दोस्त और मॉन्टेज फैमिली का रिलेटिव है से पूछता है कि रोमियो कहाँ पे है। तो मर्क्यूटियो कहता है कि मैंने उन्हें नहीं देखा है पर वो शायद घूमने गए होंगे। तभी वहाँ पे रोमियो आ जाता है और फादर से लेट होने के लिए माफ़ी मांगता है। मॉन्टेज उससे पूछता है कि तुम बाहर क्यों गए थे? तो रोमियो कहता है कि मुझे लगा कि लोगों को जानने से रूल करने में आसानी होगी। तो मॉन्टेज कहता है कि एक रूलर को स्ट्रांग होना चाहिए वरना लोग उसे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तभी एक सर्वेंट कहता है कि लेडी हरमाइनी आ गई है। रोमियो की हरमाइनी के साथ शादी होने वाली होती है। मॉन्टेज हरमाइनी को आजाद की पार्टी में रोमियो के साथ डांस करने के लिए कहता है। तो हरमाइनी कहती है कि अगर रोमियो को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। मॉन्टेज रोमियो को हरमाइनी को उसके सीट पे ले जाने के लिए कहता है। रोमियो जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है उसे जूलियट की याद आ जाती है। फिर विलियम को दिखाते हैं जिसे अपने प्ले के एक्टर्स की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही होती है। जूलियट उस प्ले में शीप बनी हुई होती है। प्ले की एक्ट्रेस एमिलिया जिसे नहीं पता होता कि जूलियट एक लड़की है से पूछती है कि क्या तुम ऐसे एक्टर काम करोगी? तो जूलियट मना कर देती है। फिर रोमियो को दिखाता है जिसे उसके सर्वेंट्स पार्टी के लिए तैयार कर रहे होते हैं। बेनवोलियो से बताता है कि हरमाइनी तुम्हारा वेट कर रही है। वो देखता है कि रोमियो का मूड ठीक नहीं है तो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें हरमाइनी पसंद नहीं है? तो रोमियो कहता है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है पर मुझे उससे प्यार नहीं है। फिर जूलियट को दिखाते हैं जो विलियम से पूछते हैं कि प्यार क्या होता है। तो विलियम कहता है
कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए तुम अपनी जान भी जोखिम में डाल सकती हो। फिर रोमियो को दिखाते हैं जो बेनवोलियो से पूछता है कि प्यार क्या होता है, तो बेनवोलियो कहता है कि प्यार एक इमोशन है जिसके पीछे तुम अपना जान भी दे सकते हो। तो रोमियो बेनवोलियो से पूछता है कि क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है, तो बेनवोलियो कहता है कि वो एक सीक्रेट है। फिर जूलियट को दिखाते हैं जो एमिलिया से पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तो एमिलिया बताते हैं कि मैं नियो वेरोना में होने वाली पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ, एक नोबल है जो मेरा प्ले देखता है और वही मुझे पार्टी में लेके जा रहा है। एमिलिया जूलियट को भी अपने साथ जाने के लिए मना लेती है। फिर जूलियट तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद वो नोबल भी वहाँ पर आ जाता है और वो जूलियट को एमिलिया समझ के अपने साथ लेके चला जाता है। एमिलिया इस बात से बहुत ही गुस्सा होती है। जूलियट पैलेस पहुँच जाती है, उसे वो पैलेस जाना पहचाना लग रहा होता है। तभी जूलियट मॉन्टेज को देख के डर जाती है और पार्टी से भाग के एक फाउंटेन के पास जाके बैठ जाती है। तभी वहाँ पे रोमियो आ जाता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।